I'm Ashok Vyas and you're watching Vastu Living with Pallavi Chelavda. The whole world is a composition of five elements. We are aware of earth, we are aware of water, we are aware of air and space. And when we look at all these elements, if they are not in balance, that imbalance causes a sense of disturbance, it causes a sense of distraction. And for us to be in harmony with all these five elements, we take the help of experts who enlighten us on how to arrive at life which is full of balance. And that sense of balance comes our way with the help of Vastu and Feng Shui by world-renowned Pallavi Chelavda in this show. So today we have something special for you, which is based on the emails and the feedback that we received from you. So here is Vastu Living with Pallavi Chelavda. Namaskar, Jai Sri Krishna, Sat Sri Akal, and Walaikum Assalam. I am Ashok Vyas. Welcome to Vastu Living with Pallavi Chelavda. Today's show is very, very special, especially for me, because I want to learn so much about Vastu Shastra. And sometimes I ask myself this question, this knowledge, which is more than 5,000 years old, how it is relevant for someone who is living in 21st century, how these principles make sense for people from all religions, all walks of life, not only different religions, but at different places. Is it possible for Vastu principles to help people achieve their goals? And to learn all about this, I requested once again Pallavi Chelavda ji to join us, who is world-renowned Vastu expert and Feng Shui master. So join us in learning more about Vastu in our lives with the help of Pallavi ji. Namaskar Pallavi ji, aapka bahut swagat hai. Vastu ko aapne sab tak pahunchaya hai. Aaj hum aapse khas taur par ye janna chahte hain, 21st century mein jo mind computer ki taraf daud raha hai, uske liye ye 5000 saal purane Vastu Shastra ke principles kitne relevant hain? वास्तु शास्त्र हम जो अप्लाई करते हैं वो उसमें से हमारा अपना रिसर्च तो इसमें कुछ भी नहीं है. हम जो रिसर्च करते हैं वो दशाओं की इफ़ेक्ट, कितने साल तक आप रहते हो तो अलग अलग लोगों को किस तरह की हो सकती है, डायरेक्शन चार्ट के, बर्थ चार्ट के अनुसार उस पर रहती है. लेकिन जो अप्लाई करते हैं वो वैदिक वास्तु है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों से प्राप्त है. और मैथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार जो विश्वकर्मा जी थे, जो वास्तु के प्रणेता माने जाते थे, जो पुराने ज़माने के आर्किटेक्ट माने जाते थे, और शिव पुराण के अंदर, गरुड़ पुराण के अंदर विश्वकर्मा जी के जो ग्रंथ बने हुए हैं, उन्हें उन्होंने वास्तु शास्त्र के बारे में, उसके नियमों के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है. और हम जो अप्लाई करते हैं वो 5000 साल पुराना वैदिक वास्तु है. और जो फेंग शुई की शुरुआत है वो लोशु ऋषि ने यहाँ से की है, और फुशी ऋषि उनका नाम था, और वो लोशु नदी के किनारे बैठ के तपश्चर्या करते थे. और उन्होंने, वो हमेशा चिंतित रहते थे कि लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बदलाव अच्छी चीज़ों के लिए किस तरह से आसान वे से किया जाए. और उसी वक्त, उसी पल उन्होंने लोशु नदी के अंदर से एक टर्टल को, कछुए को निकलते हुए देखा, और उसके ऊपर एक मिरेकल कैलकुलेशन था, जिसको कहीं और से भी आप कैलकुलेट करते थे तो उसका कैलकुलेशन टोटली सिर्फ 15 में बनता था, राइट लेफ्ट डायगनली ऐसे. तो उनको ये बातें बड़ी प्रभावित लगी, और उसके बाद उन ऋषि को लोशु नदी के किनारे से प्राप्त विद्या होने की वजह से लोशु चार्ट कैलकुलेशन का नाम दिया गया है. और फेंग शुई की शुरुआत 3500 ईयर्स ओल्ड है, और अभी जो हम अप्लाई करते हैं वो एडवांस वास्तु की सारी फार्मूला है, जो 21वीं सदी के साथ रिलेवेंट है. और उसी तरीके से हम एडवांस फेंग शुई को अप्लाई करते हैं. और मेरे हर एक अलग अलग रिलीजन के लोग हैं. कुछ लोग जो इंडिया के साथ बिलोंग करते हैं, दे कॉल मी वास्तु कंसल्टेंट, बट आई वर्क विद लॉट ऑफ अदर पीपल. एंड वास्तु जो है वो संस्कृत के अंदर उसका लिटरेचर ज़्यादा था, एंड फेंग शुई का मटेरियल इंग्लिश में ज़्यादा है. तो फेंग शुई वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है, और वहाँ पे काफ़ी इजी प्रिंसिपल के बारे में बताए हैं. तो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग जो मुझे मिलते हैं, दे कॉल मी फेंग शुई मास्टर.
फेंग शुई मास्टर पल्लवी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आपको वास्तु के बारे में भी पता है और फेंग शुई के बारे में भी पता है। और एक सवाल जो मुझे लगता है आप उसके साथ न्याय कर सकती हैं, एंड दैट इज, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वास्तु एंड फेंग शुई? वास्तु शास्त्र जो है वो 5 एलिमेंट के बेस से बना हुआ सब्जेक्ट है। जो इंसान के यहाँ पे पृथ्वी पे जो उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका बेसिक फंडामेंटल लॉ है 5 एलिमेंट्स, वाटर, वुड, फायर, अर्थ और एयर। और पृथ्वी पे सबसे पहली रचना जो हुई है वो है प्रकृति की रचना, और नेचर के फंडामेंटल लॉ है 5 एलिमेंट्स। यहाँ पे रहने के लिए आपको सबसे पहले इंसान का शरीर चाहिए। इंसान के शरीर में वो कोई भी तरह के रिलीजन में बिलीव करता हो, लेकिन बेसिक उसका स्ट्रक्चर जो होता है, इट्स द सेम थिंग फॉर एवरी ह्यूमन बींग। तो बेसिक फंडामेंटल लॉ ह्यूमन बींग के बॉडी का है भी 5 एलिमेंट। तो पृथ्वी पे रहने के लिए जो शरीर की रचना है वो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनी है। और एनर्जी का मतलब होता है ची, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब होता है आत्मा, जो इस पूरे शरीर का संचालन करती है, शरीर को कंट्रोल करती है, आपके इमोशन को, और यहाँ पे पृथ्वी पे रहन सहन, आसपास की सुख दुख, अलग अलग तरह की अनुभूति की फीलिंग आपको करवाती है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक आप लाइव हो। तो इस तरह की आत्मा की जो पूरी सराउंडिंग शरीर की इनसाइड जो क्रिया है, जो शरीर के अंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अंदर और प्रकृति के बेसिक फंडामेंटल लॉ के अंदर जो नियम है वो सारे एक जैसे हैं। जैसे आप गूगल के ऊपर देखते हो तो गूगल का जो पृथ्वी का टॉप वाला हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल, और नीचे वाला हिस्सा इट्स कॉल्ड साउथ पोल। इंसान के शरीर की रचना होती है उसके दिमाग का जो पोर्शन है इट्स कॉल्ड नॉर्थ पोल, और पैरों का हिस्सा जो है वो साउथ पोल। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जब आप वास्तु कंसल्टेंट के थ्रू सुनते हो तो आपको लगता है कि किचन के बारे में ऐसा क्यों कहा, सोने की पोजीशन के बारे में ऐसा क्यों कहा, बट वेन एवर यू गो इन डिटेल एवरीथिंग इज़ नॉट लाइक कोई विदाउट कोई लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक के पीछे साइंटिफिकली उसके कुछ वैल्यूज़ है। जैसे अगर आप नॉर्थ फेसिंग सोते हो तो सही नहीं होता, वो वास्तुशास्त्र में कहा जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी में नॉर्थ दिशा है वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है, और आपके सर का हिस्सा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ टू नॉर्थ जब कनेक्ट हो जाता है देन इट्स कॉल्ड हैवी एनर्जी। तो आराम करने के लिए वो उससे विपरीत दिशा हो जाती है, तो सोने के लिए कहा जाता है कि आप नॉर्थ दिशा की ओर पैर कर दीजिए और साउथ की ओर अपना सर कर दीजिए। लेकिन यही बात जब क्रिया बदल जाती है, प्रवृत्ति बदल जाती है, और जब आप पढ़ाई करते हो या आप अपने बिजनेस का डिसीजन लेते हो, तो वास्तु कहता है कि आपको नॉर्थ फेसिंग रहना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स से आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है, जो आपका ग्रास्पिंग पावर है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मेरे को पूरी लाइफ में बहुत सालों तक वास्तु मैंने अपने पिताजी से सीखा है, लोग बोलते हैं कि मेरे DNA में वास्तु है, तो मैंने इसके काफ़ी तरह के मूल्यवान चीज़ों को, उसके अंदर के जो छुपे हुए सीक्रेट जो वास्तुशास्त्र के नियमों के साथ बने हुए हैं, उसको साइंस के साथ और वैल्यू के साथ लॉजिकली बहुत चीज़ों के साथ समझा हुआ है। इसीलिए जब कभी आपको कोई बात बताई जाती है, अगर आप उसके रूट तक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कहने का सबसे बड़ा साइंस और मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ कौन सा सूत्र इस बेस के साथ बना हुआ है, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। पल्लवी जी, योर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वास्तु एंड फेंग शुई, ऐसा मुझे लगता है, कुछ ऐसा ही कह सकते हो। एंड इट इज सो अमेजिंग टू हियर फ्रॉम यू ऑल अबाउट आत्मा का किस तरह से शरीर के विभिन्न अंगों के साथ संबंध है, और सारे एलिमेंट्स किस तरह से हमारे साथ रिलेटेड हैं। ये सारी बातें पल्लवी जी जब मैं आपसे कर रहा हूँ तो मुझे याद आता है कि आज के कार्यक्रम में कुछ हमारे जो दर्शक हैं जो आपको फॉलो करते हैं वो भी हमारे गेस्ट होने वाले हैं, और कई बातें हम आपसे जानना चाहते हैं, पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एंड व्हेन वी कम बैक आफ्टर द ब्रेक देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स से सरप्राइज फॉर यू, एंड व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू यू from you. That's very interesting that we all are interconnected, and this connection in the principles of Vastu, how it helps us in growing more, we learn from Pallavi ji every week. So stay with us, we'll be right back in Vastu Living with Pallavi Chilavada after this short break. A healthy relationship is important for a good life, and Vastu has a lot of tips on creating a perfect environment for the love to prevail. The best direction for a master bedroom is southwest and northwest, and the wall should be painted light pink and beige. Wooden furniture and mirror should be avoided. Join me every week on Vastu Living with Pallavi Chelavada to learn more.
एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। हाई, आई एम पल्लवी छिल्लावडा, योर वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। योर हाउस इज नॉट अ लाइफलेस एंटिटी एंड एक्सप्रेसेस थ्रू एनर्जी। Unstable energy flowing in your house is very similar to diseases that living beings suffer from. Vastu can help cure your house of all negative blockages and energy instabilities. Join me every week on Vastu Living with Pallavi Chellavada to learn more. Ek raah aur sahi disha jo zindagi batate. So, Vastu Living with Pallavi Chellavada, and now is the exciting part of today's show. We are delighted to have the presence of Abby with us. Abby, welcome to this show, Vastu Living with Pallavi Chellavada. Thank you for having me. And as we have your beautiful presence, share with our viewers, what is your profession? So, I've been in the beauty industry working as a makeup artist for over a decade now. So you have been in the beauty business for more than a decade now. Mm-hmm. So let me share this, these words from Emma Stone. And she said that, "I cannot think of a better representation of beauty than someone unafraid of being true to what she is." The essence is, if you are happy being what you are, in her words, that is beauty. Do you agree with that? Oh, absolutely. And when did you hear about Pallaviji? Well, I was actually looking to bring the principles of feng shui into my home. So I did a basic internet search, and she was one of the most popular authorities on the subject. And I've had the pleasure of working with her now and bringing a more positive energy into my own home, and we've become friends. So I'm very lucky. So on this, me on too. This, yeah, I'm happy to see both of you together, and we want to spread happiness and positive energy in the whole world. When you work to make people look more beautiful, what do you think is the role of positive energy? Well, I think, you know, when you're touching people physically, you know, I have my hands on their face and their hair and things like that, there is a transfer of energy. So making sure that I feel positive, you know, will only make sure that they have a positive experience when they're working with me. So it's definitely important. I'm really thankful to you for joining us today. And before we thank you for being with us, I want you to tell me, when you looked at Facebook page of Pallavi ji, what was it that you found fascinating about her expression or the tips that she shared? Well, I think there are just so many tools and how to incorporate all types of energy work, whether it's, you know, bringing success into your career or just having a more calm home. I've learned so many different things, it'd be hard to just pick one. That is incredible. Pallavi ji, I'm happy to hear this response from Abby. And indeed, it is true, there is so much material that you are sharing through Facebook page. If you don't mind, tell me, what is it that keeps you filled with positive energy and motivation to share more of your knowledge? I am very positive personality, and I will try my best always to create a maximum positive environment in home, business, and as well as personal also. Because whenever, like, everything is start with thought process, and if you think like positive, then everything surrounding your world will be changed. So you have to start with your own self first. Pallavi ji, on that note of positive energy, both of us and also our viewers would like to wish good luck to Abby for success in her business of spreading beauty. Oh, thank you. I wish you too good luck in sharing more knowledge about how other people can share positive energy. Wonderful. Thank you very much. Continuing with positive energy, time for a short break, and when we come back, we will have another guest. Stay with us. You're watching Vastu Living with Pallavi Chellavada. Hi, I am Pallavi Chellavada, your Vastu Feng Shui consultant. Positive energies drive you towards your goals. Negative energies create obstructions by bringing your will and motivation down. Working with a credible Vastu Feng Shui consultant can help you take advantage of this wonderful art and science. Join me every week on Vastu Living with Pallavi Chellavada to learn more. Ek raah aur sahi disha jo zindagi batate. Namaskar.
जब लाइफ घर और बिजनेस में फाइनेंशियल स्ट्रेस हो तो वास्तु शास्त्र और फंक्शन के अनुसार ऐसे लोकेशन पर कोई भी वाटर एलिमेंट को नहीं रखना चाहिए। मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फंक्शन कंसल्टेंट। ज्वाइन मी एवरी वीक ऑन वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा टू लर्न मोर। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। और अब हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं एक और गेस्ट आज के शो में, जो इस शो को स्पेशल बनाते ही नहीं है बल्कि इस शो की स्पेशली के साथ बड़े स्पेशल ढंग से जुड़ी हुई है, नम्रता जी। नम्रता जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और स्वागत के साथ साथ आपका धन्यवाद है। आपने अपने निवास पर हमारी सारी वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा टीम को इस कार्यक्रम को शूट करने के लिए अनुमति दी है। आप ये बताएं कि वास्तु के बारे में सबसे पहले आपने कब जाना? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पल्लवी जी, आज हमारा सौभाग्य है पल्लवी जी हमारे घर पर हैं। वास्तु के बारे में मैंने जब से पल्लवी जी की टिप्स देखनी शुरू की हैं तब से उसके बारे में मैंने धीरे धीरे जानना शुरू किया है। आपको वास्तु के बारे में जो पल्लवी जी टिप्स देती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा मैंने आपसे कई बार सुना है। क्या खास बात उन टिप्स में से ऐसी जो आपको याद रहेगी? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप बड़ी जल्दी पकड़ लेते हो, जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे को बहुत घर में हेल्प करती हैं। तो आप नम्रता जी ये बताएं हमारे दर्शकों को कि कोई ऐसी टिप है जिसको आपने अप्लाई भी किया हो घर में? हाँ जी, हमने अशोक जी अपनी किचन के अंदर इनकी टिप देखने के बाद मैंने एक चीज़ को फॉलोअप किया है और उसको हमने किचन में अपने रेड एंड बेज कलर का पेंट करवाया है। उसके बारे में काफ़ी हमारे गेस्ट ने हमें आके कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, विच वन इज़ रियली हेल्पफुल। वेरी वेरी गुड। तो ये जो सिलसिला है सीखने का और कुछ ऐसा करने का जिससे आपके परिवार में और अधिक सफलता हो और अधिक आनंद बढ़े, ये जारी रहे। फिर एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप हमारे साथ आई और आपने अपना ये अनुभव हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे उन सभी दर्शकों के साथ बांटा जो बड़े प्रेम से देखते हैं वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा। एंड नाउ इज द टाइम पल्लवी जी एंड नम्रता जी, वंस अगेन आई वांट टू से वन मोर टाइम थैंक्स टू यू पल्लवी, नम्रता जी। नम्रता जी, आपके घर ये सारा वातावरण हम सबको बहुत अच्छा लगा और आज मुझे लगता है एक खास मौका आपके लिए है कि पल्लवी जी आपके साथ बैठी हैं और कोई खास बात जो पर्सनली आप उनसे पूछना चाहें या कहना चाहें। हाँ जी पल्लवी जी, सुबह से एक्चुअली कल से आप हमारे घर में शूट कर रहे हैं जी, तो इसके लिए काफ़ी फीलिंग आ रही है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं जी। और जब आप बोल रहे हो तो घर में जिस तरह से आपकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है जी, बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपकी जो जिस तरह आप बोलते हो जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स जो आएँ किसी भी टाइम, आप किसी भी टाइम मिलने का कुछ ऐसा बनाएं जिसमें आप थोड़े से टिप्स हमें पर्सनली बैट कर दें। डेफिनेटली कर सकते हैं नम्रता जी, हमें आपकी सबसे पहले तो मैं आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। आपके घर में जो कलर्स हैं, घर का जो माहौल है, फैमिली एटमोसफियर है, जो पीस और हारमोनी यहाँ पे फील होती है वो बहुत अच्छी है और पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी इस घर के अंदर बनी हुई है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके दोस्तों से भी इसी प्रोग्राम के माध्यम से मिलने का मौका एक बार फिर आपके घर में या कहीं इसी एरिया के अंदर डेफिनेटली किया जाए। एंड आई लाइक टू इनवाइट योर फ्रेंड्स जो भी है आपके वो हमारे प्रोग्राम के अंदर, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू नम्रता जी एंड थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी। और जब तक वो मौका आता है कि सब आमने सामने बैठ कर पल्लवी जी को सुन सकें तब तक मौका है YouTube चैनल जो वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा है, वहाँ पर आप उनको सुन सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। और अब समय है कि हम बढ़े एक छोटे से ब्रेक की तरफ, एंड आफ्टर द ब्रेक वी विल हैव टिप ऑफ द वीक। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस एट वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा। छिलावड़ा, योर वास्तु फैंक्शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग पॉजिटिव एनर्जीज इनटू योर लाइफ। इंटीग्रेटिंग वास्तु एंड फैंक्शुई इन योर लाइफ विल नॉट मैजिकली ब्रिंग यू ऑल दैट यू डिजायर, बट इट विल प्ले अ पावरफुल एंड पॉजिटिव रोल इन लिविंग लाइफ एज यू प्लान। ज्वाइन मी एवरी वीक ऑन वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा टू लर्न मोर। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Hi
आई एम पल्लवी छिलावड़ा, योर वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट. इनकॉर्पोरेटिंग वास्तु वाइल बिल्डिंग अ होम एंड बिजनेस इज ईजी ऑन वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा. अवर एम इज टू हेल्प एनीवन मेक चेंजेस इन देयर लाइफ, होम एंड बिजनेस अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई प्रिंसिपल्स. Join us every week on Vastu Living with Pallavi Chhelavada to learn more. Ek Raah aur Sahi Disha jo Zindagi Badal De. Welcome back to Vastu Living with Pallavi Chhelavada. Aur aaj ka show bahut hi khaas raha hai hamare liye. We had wonderful guests and it is so interesting as well as enriching to see that you are connecting with the show and your participation not only through emails but through your direct presence adds positive energy to this show, which is all about sharing positive energy, coming with the knowledge of Vastu principles, with the help of Vastu consultant and Feng Shui master, Pallavi Chhelavada ji. Pallavi ji, how was it for you to interact with your viewers directly? बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को लोगों से मिलना जुलना होता है, और आज का जो अनुभव था काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, और जो उन्होंने अपने बारे में कहा सुन के बहुत अच्छा लगा कि वास्तु की टिप्स से, अलग अलग तरह के सजेशन से फॉलोअर बढ़ते हैं और लोग उसको एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीद रखते हैं उससे. पल्लवी जी, मुझे ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि टिप ऑफ द वीक जो है वो नम्रता जी को बहुत पसंद आता है, तो हम उनको भी और हमारे उन सभी दर्शकों को जो वेट करते हैं टिप ऑफ द वीक का निराश नहीं करेंगे आज भी. सो व्हाट इज द टिप ऑफ द वीक टुडे? हमारी एक प्रथा सी बनी हुई है कि हम वास्तु लिविंग के प्रोग्राम में वास्तु जैसे अलग अलग तरह के छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की, मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए वास्तु की टिप्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. और इस प्रोग्राम में मैं कहना चाहूँगी कि जो आपके प्रियजन हैं, जब आपके लिए कोई ख़ास किसी का बर्थडे होता है या कोई ख़ास गिफ्ट देना चाहते हो, तो कभी भी वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार कोई भी नुकीली चीज़ जैसे कि नाइफ है या कोई भी तरह की पॉइंटेड चीज़ किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए. और वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार घड़ी जो होती है वो समय के साथ साथ रिलेशनशिप का टाइम फिक्स करती है, तो कभी भी घड़ी और नुकीली हुई चीज़ों को गिफ्ट देना वास्तु के नियम के अनुसार सही नहीं माना जाता. तो ये बात बहुत ही रोचक है, एंड मेनी पीपल आर नॉट अवेयर कि नुकीली चीज़ गिफ्ट नहीं दें, यानी जैसे नाइफ वगैरह हैं या स्वॉर्ड्स वगैरह हैं. और साथ ही साथ घड़ी के बारे में भी आपने कहा कि गिफ्ट नहीं देनी चाहिए. वास्तु के नियम के अनुसार घड़ी जो होती है वो इंसान का वक्त कायम करती है, और रिश्ता जो होता है उसकी एक लाइफ लाइन बन जाती है. तो पति पत्नी के रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए ये बात सुन के कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को घड़ी दी है तो मैं उसका क्या करूं, तो मैं बोलती हूं आप उसको पे कर सकते हो और कुछ और गिफ्ट ले सकते हो. तो ये समय आ गया है घड़ी की बात को लेते हुए कि हम आज पढ़ सकते हैं सिर्फ नाम हमारे उन कुछ दर्शकों का जिन्होंने ईमेल के साथ अपने क्वेश्चंस भेजे हैं. आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको पर्सनली रिस्पॉन्ड करें. आज हम सिर्फ आपके नाम भर पढ़ रहे हैं समय की सीमा को देखते हुए. रोहित पटेल जी ने लिखा है पल्लवी जी कनेक्टिकट से, विराज शाह मैरीलैंड से उन्होंने लिखा, और नाम इनका राजीव गांधी है पर ये न्यूयॉर्क के राजीव गांधी जी हैं. उन सबके ईमेल्स इस कार्यक्रम के लिए आए. आपने लिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड दोज ऑफ यू हु वांट टू राइट एंड आस्क क्वेश्चंस टू पल्लवी जी, द वे टू रीच आउट टू अस इज राइट योर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स अलॉन्ग विद फ्लोर प्लान ऑफ योर होम एंड सेंड इट एट 123 vastu@gmail.com. The most important resource for you to learn more about Vastu is pallavichhelavada.com. This website is important, and you can also follow her on Facebook page. And I always want to share this wonderful information, which is fascinating for many of our viewers. I keep hearing from them that they enjoy and are benefited by this YouTube channel, which is Vastu Living with Pallavi Chhelavada. And now is the time to say goodbye to you all from today's show. But there is much more that we'll be bringing for you every week. So don't forget to join us next week. And before we say final goodbye, here are these words that we always love to share. Ek Raah aur Sahi Disha jo Zindagi Badal De. Keep watching, keep writing. Vastu Living with Pallavi Chhelavada.